अरे एक डूब गया, एक डूब गया, एक डूब गया। तो आप देख सकते हो इसका पानी कितनी तेज चलता है, आप देख सकते हो। ये देखो, दोस्तों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है शरद और ये है अभिषेक, और आज हम आ चुके हैं कासगंज से 3 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर दूर नदरई गांव में। और इस गांव में एक ही बहुत ही पुरानी यानी कि जो अंग्रेजों के समय का एक पुल है, दिखाने वाले हैं कि वो उस टाइम के इंजीनियर किस टाइप से जो पुल वगैरह होते थे उनका निर्माण किस टाइप से किया जाता था, दिखाने वाला हूँ कुछ ही देर में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कौन कौन कासगंज से है, किस किस ने ये पुल देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वही नहर है जिसकी जो उस पुल के ऊपर से गुजरती है, और ये बहुत ही गहरी नहर है और इसके अंदर मगरमच्छ भी रहते हैं, और मैं आपको इसका पूरा सीन दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों अभी मैं उस नदी के मतलब जो नहर है उसके बीचों बीच में हूँ, आप देख सकते हो। और ये डैम बना हुआ है, वैसे तो बहुत डर लग रहा है। और ये जो जगह है इसमें पहले सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो अभी पुलिस वालों ने तोड़ दी थी, क्योंकि इसमें लोग अक्सर करके घुस जाया करते थे नीचे। आप इसमें देख सकते हो नीचे के लोग। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाने ले चलते हैं। नीचे से आप नीचाई इसकी देख सकते हो कितनी नीचाई है, और मैं अभी उस नहर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ जिसके ऊपर नहर चलती है, उसी पुल के ऊपर पीछे आप देख सकते हो। आइए चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं, आगे चल के आपको क्या क्या दिखाना है जो भी है। अभिषेक आ गया फिर लेवल पर। आइए चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको एक नई नई चीज। ये जा रहा आगे का रास्ता, और हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग। दोस्तों इसमें आप देख सकते हो इसको जब पुल बनाया गया है उस टाइम की गेट लगी हुई है इसमें, कि किस समय बनाया गया है आप देख सकते हो। और मैं अभी उसी उसके अंदर हूँ, और इसमें आप इसकी गहराई देख सकते हो कितनी गहराई है इसकी। ये देखो एक ये बना हुआ है, एक उसके नीचे है। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। दिखाता हूँ आगे इसमें क्या क्या चीज़ है। पीछे आ रहा है इलमान, और ये चल रहा है मेरे साथ आगे आगे अभिषेक भाई। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट लेवल पर।
और हम आपको दिखाएंगे ये क्या चीज है। ये हमारा बैठने का, इस जगह पर लोग शायद अक्सर करके बैठा करते हैं। देखिए भाई जो भी है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर शायद बहुत पहले लोग बैठा करते थे। और मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कि आगे क्या है। आप देख सकते हो जो मैं आपको बताने वाला था कि इस पुल के ऊपर नहर चलती है। ये देखो आप नहर देख सकते हो, और ये जो नदी है इसे कहते हैं काली नदी। इसमें आप काली नदी को देख सकते हो, चाहो तो आप इसमें कूद के भी देख सकते हो। ये काली नदी है नीचे, और ये है हजार नहर। ये नदरी पुल के ऊपर नहर चलती है और उसके नीचे चलती है नदी। ये सामने नदी है, और ये जो है ये इसके ऊपर हजार नहर चलती है, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैं इस दीवार के ऊपर चढ़ चुका हूँ, और मैं आपको यहाँ से इसका सीन दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही लोकेशन है, इधर साइड पर देख रही है, सांप वगैरह ना हो। अरे हाँ आ जा इधर साइड में, बहुत पहले आया कम से कम। हाँ हाँ उसी टाइम। किसके उधर ही तो जा रही है। अरे यहाँ तो बैठ के पल रही हूँ, पल के नहीं। जब यहाँ कोई है ना मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं। माँ माँ मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। बढ़िया हूं ना मैं ब्रो। तो आप देख सकते हैं हम चारों लोग यहीं पर हैं, और हम आपको दिखाने वाले हैं इसके अंदर का सीन। इसमें आप देख सकते हो कैसा जगह है, ये कितनी खतरनाक है, भयंकर सीन है यार ये। तो आप देख सकते हो इसके नीचे कीचड़ कितनी है, और ये उसी पुल का जो पानी होता है वही उसी पुल के पानी से नीचे कीचड़ भी है। तो आइए हम चलते हैं अपने नीचे की तरफ, और बहुत ही संभाल कर जाना है, बहुत ही आराम से जाना है। यहाँ पर यहाँ बहुत ज़्यादा कीच है, कीचड़। आ जा
इसमें आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। मैं इसकी अभी लाइट जलाने वाला हूँ अपने फोन की। आप देख सकते हो तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पुल के नीचे भैंसियाँ को भैंस को रखा जाता है। दोस्तों अभी हम उसी पुल के नीचे हैं, आप इस छत को देख सकते हो, ये उसी पुल की छत है, आप देख सकते हो, और इसी छत के ऊपर नहर चलती है। वही पुल है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और अब हम चलने वाले हैं ऊपर की साइड। दूसरी साइड हम आ चुके हैं, चलते हैं ऊपर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कौन कौन कासगंज से है, किस किस ने ये पुल देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।